نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم رمضان وتحج البيت من استطاع اليه سبيلا او كما قال عليه الصلاه والسلام इंतहाई काबिल एहतराम इकरा तजवीदुल कुरान अकेडमी में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसको आप जुम्मतुल मुबारक का दीनी बयान भी कह सकते हैं और दीनी एक सिलसिला भी कह सकते हैं। खुसूसन उन बच्चों के लिए ये फोकस होगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ सिर्फ स्कूल पढ़ते हैं और वो मदरसे में नहीं आते, मदरसे के बयानात में शरीक नहीं होते, तो लिहाजा इस वक्त उनको भी फ़ायदा होगा और दूसरे जो सुनने वाले बच्चे हैं या साथ हैं सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो हमने इस्लाम के बुनियादी अरकान से ही इसका आगाज़ किया है कि हम स्कूल के साथ साथ हमें दीनी मालूमात कहाँ तक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ताकि ये सिलसिलावार एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जो बच्चों के जहन में और बड़ों के जहन में नक्श हो, हमें याद हो, यानी कि सुन लिया और भूल गए, बल्कि एक सबक की तरह इसको सुनना है। मेरे और आपके महबूब पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद पांच नंबर है। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? सबसे पहले कलमा, कलमा तैयबा, और इसको हम सबसे पहले ईमान भी कहते हैं। सबसे पहले ईमान क्या है? ईमान, ईमान मुसलमान के लिए इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। ईमान मुसलमान के लिए इस कायनात यानी इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए कि इंसान के पास सब कुछ हो और अगर ईमान ना हो तो वो बेकार है। वो क्या है? बेकार। इसीलिए मैं यहाँ पे बात को वाज़े करते चल जाऊँ। कुछ लोग गैरों की तारीफ करते हैं, कुफार की तारीफ करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जनाब वो बड़े दयानतदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनके हाथ झूठ नहीं है, उनके यहाँ जनाब वाला वक्त का ज़ाया नहीं है, उनके यहाँ सफाई है, सुथराई है, और एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। काफिर ने मोबाइल को समझा, काफिर ने इंटरनेट को समझा, जदीद टेक्नोलॉजी को समझा, जहाज बनाने को समझा, शिप बनाने को समझा, और दुनिया की अजीब व गरीब चीज़ों को समझा और तैयार करके अपनों के लिए और मुसलमानों के लिए भेज दिया। आपके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल आपके पास आ रहा है, जहाज़ आपके पास यहाँ मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, और एक से एक डिवाइसेस मौजूद हैं कि जिनको देखकर हम सोचते रहते हैं कि बनाया कैसा है। यानी इन सब कुछ को उन्होंने समझा, गैरों ने जो नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को समझा जिनको देख के हम हैरान हैं। लेकिन इस बात को आप देखें कि इतनी काबिलियत, इतना टैलेंट और इतना सेंस कि उन्होंने बारीक से बारीक चीज़ बना ली, आपके लिए साइंस की तरक्की को आपके हाथ पे ला के रख दिया, लेकिन अल्लाह को नहीं समझा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं समझा, अल्लाह के कुरान को नहीं समझा। तो उनकी समझदारी, उनका टैलेंट, उनकी सूझबूझ, उनका सेंस, उनकी अकलमंदी, दानिश्वरी सब जाया। क्यों? कि इस्लाम की बुनियादी अरकान सबसे पहले क्या है? ईमान। ईमान नहीं है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तरक्की है, पायलट है जहाज का और पूरी दुनिया पे हुक्मरानी है, लेकिन ईमान नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं है, अल्लाह के कुरान पर ईमान नहीं है, तो उनका टैलेंट, उनकी समझदारी, उनकी काबिलियत सब ज़ाया हो गई। इसलिए कि कल क़यामत को के दिन उन्होंने जहन्नम का ईंधन बनना। तो अब आप खुद सोचें कि इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा बंदा कि जो जहाज़ बना रहा है, जो मोबाइल को तैयार कर रहा है, जो कंप्यूटर को, लैपटॉप आपके लिए बना रहा है, बगैर तार, बगैर सिस्टम, सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं,
उसके बावजूद भी वो जहन्नम में जा रहा है। तो जहन्नम में जाना सबसे बड़ी नाकामी है और जहन्नम से बचना सबसे बड़ी कामयाबी है, इंसान जन्नत में जाए। तो इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों को तो जन्नत में जाना चाहिए था, इतने पढ़े लिखे समझदार लोगों को तो अल्लाह से इनाम लेना चाहिए था कि हमने आपके बंदों की खिदमत की, पूरी दुनिया की खिदमत की, पूरी इंसानियत की खिदमत की और हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं और जन्नत के हकदार बन जाएं। लेकिन यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि अगर आप सब कुछ भी समझें और अल्लाह उसके रसूल को ना समझें तो आपकी समझदारी ज़ीरो है, आपकी काबिलियत ज़ीरो है। आप जितने भी ईमानदारी से, अगर काफिर जो है वो गरीबों की शादियां करवाता है, वो रोड बनवाता है, वो जनाबे वाला मरीजों को दवाई दिलवाता है, वो गरीबों का सहारा बनता है, सब कुछ करता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको आखरत में कोई फ़ायदा, दुनिया में नाम होगा कि माशाल्लाह ज़बरदस्त गुड, कितनी काबिल तारीफ़ है, कितने लोगों की उससे खिदमत कर रहे हैं, कितना अच्छे काम कर रहे हैं, लोग तारीफ करेंगे। लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कदर नहीं है, इसलिए कि उसका अकाउंट नहीं है ईमान का, ईमान का मीटर नहीं लगा हुआ उसका। जब तक ईमान का मीटर नहीं लगेगा, जब तक ईमान का अकाउंट नहीं खुलेगा, जो भी अच्छे अमल होंगे वो किसी खाते में नहीं, जो भी अच्छे अमल होंगे वो किसी खाते में नहीं है। तो लिहाजा मुसलमान के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो क्या है? ईमान है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? ईमान। ईमान के साथ आप पायलट बन जाए, सुभान अल्लाह। ईमान के साथ साथ आप साइंसदान बन जाए, आप डिवाइसेस बनाएं, आप जनाब इंजीनियर बन के मुख्तलिफ चीज़ों को डिज़ाइन करें, आप पायलट बनाकर जहाज उड़ाएं, आप दुनिया की खिदमत करें, पूरी दुनिया में नाम कमाएं, लेकिन आपके अंदर ईमान है तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, इसको कहते हैं दुनिया और आखरत की कामयाबी, कि आपके अंदर ईमान की दौलत भी हो और दुनिया की दौलत और दुनिया के इनामात, दुनिया के ये जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस वगैरह है, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने बताया। ये दिमाग किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ये साइंस किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ये समझदारी किसने दी? अल्लाह ने दी। और इसका कुरान में जिक्र है, وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, लोहे का जिक्र कुरान में है, साइंस का जिक्र कुरान में है, जदीद टेक्नोलॉजी तरक्की का जिक्र कुरान में है। जो लोग कहते हैं कि वो चाँद पर पहुँच गए, इंडिया चाँद पर पहुँच गया, या अमेरिका चाँद पर पहुँच गया, या बरतानिया चाँद पर पहुँच गया, चाँद पर पहुँच कर उन्होंने कौन सा कमाल किया, क्या लेकर आए वहाँ से? हमारे और आपके महबूब पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 साल पहले चाँद को भी क्रॉस करके अरशे मौला में पहुँचे। दुनिया में दुनिया की तरक्की, दुनिया का साइंस जितने भी तरक्की करे वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपसे आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं चाँद पर पहुंच गया, चाँद पर पहुंच कर किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पे खड़े होकर उंगली का इशारा किया, चाँद के दो टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह कह सकते हैं हम लोग कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर खड़े होकर उंगली का इशारा किया और चाँद के दो टुकड़े हो गए। बहुत ज़्यादा तरक्की है या आज की ज़्यादा तरक्की? आप बग़ैर किसी जहाज़ के, बग़ैर किसी इस तरह के साजो सामान के, अल्लाह रब्बे ज़ुल्जलाल के इंतज़ाम के तहत आप सातों आसमान क्रॉस कर गए, सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, सिदरतुल मुंतहा क्रॉस कर गए, आप अरशे मौला पे अल्लाह से मुलाकात करके आए हैं, इससे कोई बड़ी तरक्की हो सकती है? नहीं हो सकती। लिहाजा इस बात को जहन से निकाल दें कि काफिरों की तरक्की ज़्यादा है, तरक्की इस्लाम की ज़्यादा है, तरक्की मुसलमान की ज़्यादा है, तरक्की ईमान की ज़्यादा है। तो आज एक ही टॉपिक पर बात हो सकती है, वक्त मुख्तसर है, तो मैंने आपके जहन में ये बात डाल दी कि इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, सबसे पहले ईमान है। तो ईमान क्या चीज़ है? आपको पता चल गया कि ईमान इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, ईमान इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, और ईमान के बगैर हर चीज़ हैज है, बेकार है। अगर आप किसी भी तरक्की तरक्याती काम कर सकते हैं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहें, साइंस में अगर आगे बढ़ना चाहें, आप पायलट बनना चाहें, आप जनाबे वाला जनरल कर्नल बनना चाहें, कुछ भी बने, अगर आपके साथ ईमान भी है तो आप मजबूत हैं, आप कामयाब हैं।
दुनिया में भी आखिरत में भी। और अगर आपके पास दुनिया का सब कुछ है, दौलत जायदाद भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास अगर ईमान नहीं है तो सब चीज़ें ज़ाया हो जाएगी और आखिरत में कोई काम नहीं आएगी। तो लिहाजा आज से हम ये अज़्म करें कि हर तरीके से, हर कोशिश से अपने ईमान को बचाना है, ईमान को फॉलो करना है और ईमान पर यकीन रखना है और ईमान को मजबूत करना है, अपने अल्लाह पर तवक्कुल को मजबूत करना है, अल्लाह पर ईमान को मजबूत करना है, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो हमारे दुनिया में भी काम आ सके, आखिरत में भी काम आ सके। अगर ईमान की दौलत नहीं होगी तो फिर दुनिया की कोई तरक्की जो है वो हमें आखिरत के अज़ाब से नहीं बचा सकती। तो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से सबसे पहला ईमान, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, पहला कलमा तैयब जिसको हम पढ़ते हैं। ये कलमा तैयबा पढ़ने के बाद फरमाया कि इंसान मुसलमान हो जाता है, ईमान में दाखिल हो जाता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जो इतना बड़ा कलमा है कि फरमाया इस दुनिया कायनात की तमाम चीज़ों को, जिसमें हवा, फजा, खला, दरख्त, जंगलात और दुनिया कायनात के जहाज और जनाब वाला समंदरी जहाज, दुनिया के पत्थर, पहाड़, ये सब चीज़ें, जितनी भी दुनिया में चीज़ें, सबको किसी बड़े तराजू के एक पड़ने में डाल दिया जाए और दूसरे पड़ने में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर डाल दिया जाए, तो सारी कायनात की चीज़ें हल्की हो जाएंगी और कलमा भारी हो जाएगी। तो ये कलमे की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। जब कल क़यामत के दिन लोग अपने गुनाहों की वजह से, कुफर की वजह से जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम को भर दिया जाएगा क़यामत के दिन, तो जहन्नम से वही लोग निकल सकेंगे कि जिसके दिल में ईमान होगा। ईमान ज़्यादा होगा तो जाएगा ही नहीं, ईमान छोटा होगा, कमज़ोर होगा, गुनाह ज़्यादा होंगे तो जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफारिश पर हुक्म देंगे और इजाज़त देंगे कि जिसके दिल में छोटा सा भी ईमान है उसको जहन्नम से निकालें। और फिर जब निकलेंगे तो बाकी बहुत सारे लोग बचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि राई का दाना छोटा सा होता है, राई का दाना